नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में अमेरिका के लिए रवाना होंगे। इस दौर में उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है। कार्यक्रम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति क्वाड लीडर्स मीट और UNG के साथ पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी है। विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आयोजित कोरोना वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश सचिव के मुताबिक दोनों के बीच 24 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा भी करेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलकर इस बैठक में व्यापार, निवेश और रक्षा सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। इस बैठक में भाग लेने के लिए पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव श्रृंगला भी साथ जाएंगे। विदेश सचिव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम मोदी और बाइडेन के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में कट्टरपंथ, उग्रवाद, सीमा पार से जारी आतंकवाद और वैश्विक स्तर पर आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता पर चर्चा हो सकती है। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के दौरान चर्चा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी पीएम मोदी की एक खास बैठक हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अब से कुछ ही देर में रवाना हो जाएंगे अमेरिका के लिए। यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर कोरोना का खतरा हो या फिर आतंकवाद का। वहीं इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी साथ रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलकर इस बैठक में व्यापार, निवेश और रक्षा सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को और ज़्यादा बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव श्रृंगला भी इसमें साथ जाएंगे। वहीं विदेश सचिव की बात की जाए तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम मोदी और बाइडेन के बीच होने वाली द्विपक्षीय बातचीत में कट्टरपंथ, उग्रवाद, सीमा पार से जारी आतंकवाद और वैश्विक स्तर पर आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता पर चर्चा हो सकती है। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के दौरान चर्चा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी पीएम मोदी इस बैठक में चर्चा कर सकते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम आज करीब 5 सदस्यीय टीम करेगी और अब से कुछ ही देर में महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद समाधि की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। वहीं महंत गिरी की मृत्यु मामले में जांच के लिए मंगलवार को 18 सदस्यीय विशेष दल का गठन किया गया है और हरिद्वार में संत के एक शिष्य को हिरासत में भी लिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत की मृत्यु से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि उनकी सरकार मामले की हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उच्च न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाधीश से मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। CBI जांच के अनुरोध वाली एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गई है। महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को अपने मठ के कमरे में मृत पाए गए थे। पुलिस के मुताबिक गिरी ने कथित तौर पर पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी की है। एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें महंत ने लिखा है कि वो मानसिक रूप से परेशान थे और अपने एक शिष्य से व्यथित थे। महंत गिरी ने अपने कथित सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आदि प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। महंत गिरी के कथित सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि 13 सितंबर 2021 को ही उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। उन्होंने लिखा कि जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर उसे वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो गरिमा पद है, तो ऐसे में उन्हें मरना ज्यादा आसान लगा। तो इस पूरे मामले पर लगातार छानबीन की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे एंगल जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो सीडी से ब्लैकमेलिंग करना हो, चाहे वो कथित तौर पर आत्महत्या हो, या फिर सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है 7 पन्नों का,
वो हो। वहीं आनंद गिरी लगातार ये कह रहा है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हालांकि तीन मुख्य आरोपी बनाए गए हैं और जो सुसाइड नोट मिला है उसमें भी तीनों के नाम है, चाहे वो आनंद गिरी हो या फिर वो हनुमान मंदिर की पुजारी हो। दो पुजारी और पुजारी का बेटा बताया जा रहा है जिनको हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि बेवजह किसी भी बयानबाजी से बचे, सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर से पर्दा उठ जाए। वहीं अब से कुछ ही देर में पोस्टमार्टम भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। हालांकि सुसाइड नोट में साफ तौर पर नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने लिखा है कि नींबू के पेड़ के नीचे उनकी समाधि जो है वो बनाई जाए। तो उसी तर्ज पर आज बैठक होगी, बैठक में फैसला लिया जाएगा। तमाम जो इस मठ के लोग हैं, जो संत हैं, वो इकट्ठा होंगे, फिर पूरे विधि विधान के साथ उनको समाधि दी जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं जो पोस्टमार्टम होगा उसकी एक वीडियोग्राफी भी तैयार की जाएगी ताकि संशय ना रहे किसी भी चीज़ का, क्योंकि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंदौर नगर निगम की ओर से स्थानीय नागरिकों से विसर्जन के लिए इकट्ठा की गई गणेश प्रतिमाओं को ट्रकों से कथित तौर पर अपमानजनक तरीके से तालाब में फेंके जाने को लेकर मचे बवाल के बाद मंगलवार को पुलिस ने FIR दर्ज की है। चंदन नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि IMC के एक अफसर की शिकायत पर ये प्राथमिकी IPC की धारा 295(a) के तहत इस शहरी निकाय के 9 बर्खास्त कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई है। ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। IMC की आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि गणेश प्रतिमाओं को ट्रकों से तालाब में फेंके जाने के मामले में 7 अस्थायी कर्मियों की सेवाएं सोमवार को ही समाप्त कर दी गई थी और उसके बाद 2 सुपरवाइजर को भी बर्खास्त कर दिया गया। उनका कहना है कि भगवान गणेश की मूर्तियों को ट्रकों से तालाब में फेंके जाने से कई नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए किस तरह से जो गणेश की प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर फेंकी जा रही हैं, जो उन पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं वो फेंकी जा रही हैं, जिससे कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और पानी भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है। आपको बता दें कि गणपति विसर्जन 2 दिन पहले ही हुआ है और उस दिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि घिसरा पर IMC के एक क्षेत्रीय अधिकारी और एक कार्यक्रम अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैला हुआ है। इसमें ट्रकों पर सवार IMC कर्मचारी गणेश प्रतिमाओं को एक तालाब में धड़ाधड़ फेंकते नजर आ रहे हैं। वीडियो पर आक्रोशित नागरिक इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कहते हुए सोशल मीडिया पर IMC प्रशासन की तीखी आलोचना भी कर चुके हैं। वाकई बेहद ही ये जो तस्वीरें हैं वो ऐसा लग रहा है कि मानो किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। एक तौर पर हम ये दिखाते हैं कि हम पूरी तरह से हर त्यौहार को बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, लेकिन गणेश प्रतिमा हम खरीद कर लेकर आते हैं, उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाता है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है। छोटी छोटी गणेश की प्रतिमाएँ हैं, फूल मालाएँ हैं, जो उनके ऊपर प्रसाद चढ़ाया जाता है वो है, और उसे ऐसे ही फेंका जा रहा है। इसे किसी भी तरह से विसर्जन नहीं कहा जा सकता और ये जो जगह है वो पूरी तरह से बहुत ही गंदी देखी जा सकती है। किसी तरह से कोई भी नदी ये दिखाई नहीं दे रही है, ये एक गंदा नाला ज़रूर दिखाई दे रहा है। ऐसे में गणेश की प्रतिमाओं को फेंकना वाकई गलत है। हालांकि इस पूरे मामले पर एक्शन ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो भी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। तो इंदौर में गणेश विसर्जन पर बवाल मचा हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार को मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। फिलहाल मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बेहद खराब मौसम की चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में भारी बारिश के कारण लोगों को जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में ट्रैफिक जाम भी होगा तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों में बुधवार को हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना के साथ आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
राजधानी दिल्ली में बुधवार को भारी बारिश की संभावना के बीच मौसम विभाग ने गुरुवार, शनिवार और रविवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शुक्रवार को मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग चार तरह के रंगों को कोड इस्तेमाल करता है, जिसमें ग्रीन का अर्थ होता है कि सब ठीक हो और येलो अलर्ट खराब मौसम के लिए दिया जाता है। वहीं सड़क और नाले के बंद होने और बिजली आपूर्ति में रुकावट के साथ यातायात व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना के साथ बेहद खराब मौसम की चेतावनी के रूप में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। और अंत में निश्चित रूप से यात्रा और बिजली के बाधित होने की स्थिति और बेहद खराब मौसम की स्थिति में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। फिलहाल दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में आप सभी लोग अब ऑफिस से निकल रहे होंगे, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो आपसे लगातार हम ये निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप अपने ऑफिस के लिए निकल जाए, वरना बहुत भीषण जाम का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। जो दिल्ली वासी हैं, जो दिल्ली से नोएडा आते हैं, नोएडा से दिल्ली जाते हैं, उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। साल 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर एयरफोर्स की ओर से विशेष एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आज यानी कि 22 सितंबर को शाम 4:30 बजे देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर आयोजित विशेष एयर शो में सूर्य किरण एयर शो और अन्य एयरक्राफ्ट अपने हवाई करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लेंगे। इस साल चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन अपनी स्थापना दिवस की गोल्डन जुबली भी मना रहा है। एयरफोर्स चंडीगढ़ स्टेशन की स्थापना साल 1961 में हुई थी। ऐसे में एयर शो कई मायनों में बेहद खास हो गया है। पिछले कुछ सालों से 12 विंग वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ अपने आधुनिक विमानों और उपयोगिता के कारण भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक बना हुआ है। और तस्वीरें आप तैयारियों की देख ही सकते हैं। भारतीय वायुसेना की परफॉर्मेंस एरोबेटिक्स यूनिट्स, जिसे सूर्य किरण एरोबेट टीम के नाम से भी जाना जाता है, इस टीम को HAL बेल्ट हॉक एयरक्राफ्ट से भी लेस किया गया है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। इसे दुनिया में 9 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम में शामिल होने का गौरव भी मिल चुका है। ये टीम 12 सितंबर को चंडीगढ़, 26 सितंबर को श्रीनगर वायुसेना दिवस के लिए वायुसेना स्टेशन और 16 अक्टूबर 2021 को पुणे में एरोबेटिक प्रदर्शन करेगा। सुखना झील पर आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट में आम लोगों की भी एंट्री दी जा रही है। इस शो को देखने के लिए किसी भी तरह के कोई चार्ज नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शो को देखने के दौरान कोरोना नियमों का पालन करें, शो को सफल बनाने के लिए पुलिस का पूरा सहयोग करें। इस शो में बिना मास्क के किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तैयारियां आप देख चुके हैं और आज 1971 युद्ध के स्वर्णिम दिवस पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां कई दिनों से की जा रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 32वां मैच दुबई में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच खेला गया। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के नाम रहा, उसने पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। राजस्थान ने पंजाब को 86 रनों का टारगेट दिया। KL राहुल ने टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना सकी। आखिरी ओवर में पंजाब को महज 4 रन बनाने थे, लेकिन KL राहुल की टीम सिर्फ 1 रन बना सकी। उसने इस ओवर में 2 विकेट भी खोए और अंत में 2 रन से मैच हार गई। राजस्थान की जीत के हीरो कार्तिक त्यागी रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 2 विकेट झटक लिए। आखिरी ओवर में कार्तिक त्यागी ने निकोलस पूरन और दीपक हुडा को आउट किया और अंतिम गेंद पर उन्होंने फैबियन एलन से गेंद डॉट कराते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स के 8 मैचों में 8 अंक हो गए हैं, वह अंक तालिका में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं किंग्स 11 पंजाब की 9 मैचों में 6th हार है। KL राहुल ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। राजस्थान को एविन लुइस और यशस्वी जायसवाल ने तेज शुरुआत दी थी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़े, लेकिन अर्धशिप सिंह ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। उन्होंने पहले एविन लुइस को आउट किया और उसके बाद राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन महज 4 रन बनाकर ईशान पोरेल का शिकार बने। राजस्थान को यशस्वी जायसवाल और लिविंगस्टोन ने 100 के पार पहुंचाया। लिविंगस्टोन बेहद खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन 25 रन के निजी स्कोर पर उन्हें अर्शदीप सिंह ने फिर आउट कर दिया। इसके बाद महिपाल लोमरोर आते हैं, ताबड़तोड़ हिटिंग कर पंजाब किंग्स को मुश्किल में डाल दिया। महिपाल लोमरोर ने दीपक हुड्डा के एक ही ओवर में 24 रन ठोके। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने भी पंजाब के स्पिनर आदिल राशिद को आड़े हाथों लिया। हालांकि राजस्थान का ये बल्लेबाज महज 1 रन से अर्धशतक पर चूक गया। जायसवाल को हरप्रीत बरार ने
आउट किया है। यानी ये कहा जा सकता है कि 14वें सीजन का जो जादू है जो कोरोना से पहले था वह भी बरकरार नजर आ रहा है। लेकिन ये जो दोबारा से आईपीएल शुरू हुए हैं, आईपीएल 14 के जो जितने मैच रह गए थे वो दुबई में खेले जा रहे हैं, ऐसे में राजस्थान रॉयल्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कल का जो मैच रहा है वो राजस्थान रॉयल्स के नाम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में दो दिवसीय वाणिज्य उत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी के साथ औद्योगिक विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उद्योग विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति लाने पर विचार मंथन कर रही है। नई उद्योग नीति इस तरह से होगी जिससे प्रदेश में उद्योग का विकास हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में दो दिवसीय उत्सव चल रहा है। इस उत्सव में उद्योग के विकास, रोजगार, निवेश के साथ कई बाजार पर विचार मंथन किया जा रहा है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कारोबारी भी शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के बीच कर्मचारियों ने आंदोलन पर जाने की चेतावनी दे दी है। दरअसल जीएमबीएन और केएमबीएन के कर्मचारियों ने राजकीयकरण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन छेड़ दिया है जिससे चारधाम यात्रा बाधित हो सकती है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कर्मचारियों से आंदोलन पर ना जाने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की जो भी मांग होगी सरकार उस पर जरूर उचित निर्णय लेगी। तो आपको बता दें कुछ दिन पहले ही चारधाम यात्रा पर जो रोक लगी थी वो खत्म हुई है, लेकिन एक बार फिर से चारधाम यात्रा बाधित होने के बादल जो हैं उस पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कर्मचारी हैं जो लगातार आंदोलन पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं और इससे ये लग रहा है कि जो चारधाम यात्रा है वो बाधित हो सकती है। हालांकि जब चारधाम यात्रा पर से रोक हटी थी तो सभी के चेहरे खिल गए थे। दरअसल उत्तराखंड में काफी जद्दोजहद हुई जिसके बाद चारधाम यात्रा के बीच कर्मचारियों ने आंदोलन पर जाने की चेतावनी दे दी है। दरअसल जेएमबीएन और केएमबीएन के कर्मचारियों का कहना है कि राजकीयकरण किया जाए और इसी मांग को लेकर वो चरणबद्ध आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं जिससे चारधाम यात्रा बाधित हो सकती है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कर्मचारियों से आंदोलन पर ना जाने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि कर्मचारियों की जो भी मांग होगी उस पर सरकार जरूर उचित निर्णय लेगी, लेकिन इस तरह से आंदोलन पर जाना पूरी तरह से गलत है। देखिए ऐसा है कि हम सभी से अनुरोध करेंगे कि यात्रा बहुत कम समय के लिए, अब चूंकि कम समय यात्रा का बचा है और बहुत प्रयास करने के बाद सरकार ने बहुत प्रयास किया क्योंकि कोरोना महामारी के कारण से कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई थी। अभी कोरोना कम हो गया है तो उसमें हम लोगों ने कोर्ट के सामने जो प्रस्ताव रखा था उन्होंने कुछ शर्तों के साथ उसको चलाने की अनुमति दी है। तो मैं सभी से कहूँगा कि अभी यात्रा चलने दीजिए, बाकी बातें हम लोग कर लेंगे, जो भी उनकी समस्याएँ होंगी उन पर बात करेंगे। पौड़ी की सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल जिले में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी क्रम में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक में पहुंचकर भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील भी की है। इस दौरान यहां एक जनसभा का भी आयोजन किया गया जहां कांग्रेस कार्यकाल में पूर्व राज्य मंत्री रहे गणेश चंद्र समेत कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए कर्नल कोठियाल के हाथों आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने लोगों से इस बार तीसरे विकल्प पर भरोसा जताने की भी अपील की है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रही है, लोगों को अपने काम करने के तरीके समझा रही है और लोग क्या चाहते हैं उन पॉइंट्स को लेकर के आ रही है ताकि जो मैनिफेस्टो जो बनाया जाता है तो जनता की आवाज़ सुन के कैसे मैनिफेस्टो को हम पार्टी की चीज़ को देंगे वो करा जाए। उसी उसमें आज हम यहाँ पाबू में आए थे, पहले भी कई बार आए लेकिन आज एक अलग प्रकार का जज्बा, अलग प्रकार का जोश जो हौसला पैदा करता है हम जैसे लोगों को भी, वो भी देखने को मिला। और फिर यहाँ पे जिस प्रकार से बारिश हो रही है और उसके बाद लोग इतने दूर से आकर के बैठे हुए और आंख से आंख मिला करके देख रहे हैं तो ऐसी चीज़ें तो बताती हैं कि आम आदमी पार्टी को लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसी एक्सेप्टेंस को देखते हुए अभी हम जैसे घोषणाएँ कर रहे हैं, हमने इस टाइम पर करी है रोज़गार की, युवाओं को
18 से 35 साल वाले, कैसे हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे और रोजगार में कौन से एस्पेक्ट होंगे, उस दिनों में इनका ना कैंपेन शुरू होगा और हर जगह पे जाकर के हम रोजगार के उनके डेटा एंट्री करनी शुरू करेंगे और बताएंगे कि जमीन पे हम कैसे करेंगे। उसके बाद जिस दिन अजय पटेल जी ने ज्वाइनिंग करी आम आदमी पार्टी में, उसके बाद तो इतना लोगों में खुशी की लहर है कि ये हम अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा, अब अपने बिजली पानी, अपने हमारे स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, सड़क क्योंकि वो ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने युवा फाउंडेशन बनाया, युवा फाउंडेशन में जाल बना के उन्होंने 10 से 12 हज़ार बच्चों को नौकरी दी और अभी भी जगह जगह उनके कैंपिंग चल रहे हैं, कैंप बने हुए। तो ऑटोमेटिकली आप समझते हो कि एक नाम बहुत है। मैं कांग्रेस पार्टी से था और जब देखा कि उत्तराखंड के सपने जो है अनंत पोखरियाल के साथ में पूरे हो सकते हैं, इसलिए मेरा मन बदला। एक आदमी कुछ तो पाना चाहता है, मेरे उत्तराखंड का जो सपनों का जो सपने थे लोगों के, उनके कैसे पूरे करेंगे, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अभी तक उस स्तर पर पहुंची नहीं जनता के। लेकिन कर्णन पोखरियाल जी से एक जो कि भावी सीएम की तरफ प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, तो इसी वजह से आज मेरे मतलब अपने तहे दिल से आज जो है आम आदमी पार्टी। कोविड से बचाव के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और हाल ही में वैक्सीन लगाने के मामले में भारत ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन दूसरी तरफ आगरा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां जिले के मेहताब बाग के पास इंदिरानगर मारवाड़ी बस्ती में भ्रम और डर के चलते अभी तक किसी ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया था। इन लोगों का मानना है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो उनकी जान चली जाएगी, जिसके बाद बाल अधिकार कार्यकर्ता नरेश पारस ने वहां पहुंचकर सभी बस्ती वासियों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया और चाइल्ड राइट्स एंड यू व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से मारवाड़ी बस्ती के जोगी झोपड़ियों में विशेष शिविर लगाकर लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया। हालांकि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्ती में पहुंची तो ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन के डर से अपने घरों से गायब हो गए, जबकि कुछ लोग आनाकानी करते नजर आए। सबके सामने यही सवाल था कि पहला टीका कौन लगाएगा, जिसके बाद एक बुजुर्ग महिला ने आगे आकर वैक्सीन लगवाई, जिसे देखकर फिर अन्य लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं, जहां एक तरफ देश में वैक्सीनेशन का स्तर इतना हाई लेवल पर पहुंच गया है और रिकॉर्ड बना रहा है भारत, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं और उनके मन में इसको लेकर एक भ्रम बना हुआ है। वही आगरा के थाना ताजगंज नई आबादी की रहने वाली एक 5 साल की मासूम घर के बाहर खेलते समय नाले के करीब पहुंच गई। तेज बारिश के चलते नाले का बहाव काफी तेज था और नाले पर बनी अधूरी पुलिया पार करते समय मासूम नाले में गिर गई। हालांकि वहां मौजूद राहगीरों ने बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते बच्ची बह गई। वही मौके पर पहुंची पुलिस और बच्चे के परिवार वालों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को काफी दूरी पर बनी मुगल पुलिया से ढूंढ निकाला और आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे वहां मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाला बनाते समय पुलिया को नहीं बनाया गया था, जिससे सभी को नाला पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वो कई बार पुलिया बनाने की मांग कर चुके हैं पर इस ओर ध्यान किसी का नहीं जाता। आज 12 बजे से तेज बारिश हो रही थी और ये जो नीतिवाद में जो नाला है मुगल पुलिया होकर निकलता है, उस नाले में तेज पानी बह रहा था। एक बच्ची सबनू पुत्री वकील अहमद, करीब 6 साल की लगभग बच्ची थी, उस नाले में बह गई, जिसको काफ़ी ढूंढने पर काफ़ी मशक्कत से करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाके वो बच्ची मिली नाले में। करीब लगभग 1 घंटा हो गया था, इस बच्ची की डेथ हो गई है और सभी लोग यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारी सभी मौजूद हैं। पुलिस को सूचना मिला था, आज बारिश भी खूब हुई थी, उस समय यह ताजगंज थाना क्षेत्र में कोबर चौकी इलाका में एक पाँच छः साल का बच्ची है, वो वहाँ पानी में नाली था, वहाँ घर के सामने नाली चल रहा था, उस पर उनका फिसल गया था और पुलिस बहुत प्रयास करने के बाद बच्ची की बच नहीं पाया, फिर पुलिस उसका रिकवरी कर लिया, रिकवरी करके उसको लास्ट का पीएम के लिए भेज दिया।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।